हेलो गाइस, तो वेलकम बैक और एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन में, एक नई शुरुआत में और नमस्ते फ्रॉम नमस्ते गढ़वाल की हसीन वादियों से। एक्चुअली आजकल जैसे मैंने बताया है आपको कि हमारे गांव में नई सड़क बन रही है, तो आजकल की जो दिनचर्या हो रही है वो ऐसे हो रही है कि सुबह उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं और दिन भर जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं कि कैसे वो रोड बना रहा है और कौन कौन से जो दिक्कतें आ रही हैं वो देख रहे हैं। और उसके बाद ऐसे ही वहाँ पे बैठ के पता नहीं चल रहा है कि मतलब शाम कब हो रही है। अभी मैं नाश्ता करके जस्ट जा रहा हूँ ऊपर, तो अभी नाश्ता करके वहाँ पे जाऊँगा, फिर वहाँ पे बैठ के रहूँगा और उसके बाद बैठूँगा, तो उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि मतलब दिन कब ख़त्म हो गया। और मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता टाइम का कि मतलब चल क्या रहा है। और ऊपर पे आए हैं कुछ बच्चे अमड़े ढूंढने, तो चलिए उनको आपको दिखाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं और उसके बाद चलते हैं जेसीबी की खुदाई देखने। तो ये है हमारे गांव के सबसे बिगड़े हुए बच्चे, सुबह से इन्होंने मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोया और चले आए हैं अमड़े ढूंढने। और एक यहां से भाग रही है और बाकी सारे यहां से भाग रहे हैं। और ये तुम यहाँ पे कितने बजे आए थे? थोड़ी देर पहले। कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे कितने? तेरे पास कितने? अब तुम्हारे पास कितने है रे? इसमें है तेरे? तेरे पास कितने है? अंजलि के पास? अरे रामो, तुमने उस टाइम से इतने ही निकाले? पेड़ पे है ना, अब मैं निकालता तुम्हारे। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक्चुअली आजकल का जो मेरा टाइम है वो कुछ इस तरीके से स्पेंड हो रहा है कि जेसीबी को देखने जा रहे हैं, शाम को भी जेसीबी को देखने जा रहे हैं और अभी हो चुका है चाय का टाइम। तो अभी पहाड़ों में धूप चली गई है और उसके बाद जो पहाड़ों में ठंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी मैं पतली पतली नहरों से होकर ऊपर जाऊंगा सड़क में, जहाँ पे जो नई बन रही है, और वहाँ पे जाने के बाद उनको चाय दूंगा और उसके बाद घर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि मतलब कैसी जो रोड है वो कैसी है और घर के कितने पास आ चुकी है और उस बारे में आपको बताऊँगा। तो एक्चुअली पहाड़ों में जब धूप चली जाती है तो उसके तुरंत बाद ही ठंड बढ़ जाती है, तो अभी धूप काफ़ी ऊपर चली गई है और ठंड बढ़ चुकी है। तो अभी ठंड के कारण मैंने टोपी रख ली है फिर से। तो अभी जो है कि मैं ऊपर जाऊंगा और रोड दिखाऊंगा आपको। तो ये है हमारे बड़े भाई सुबोध प्रसाद भट्ट और हमारे बीच में अब सबसे बड़ी समस्या है चाय पत्ती के खेत। तो अभी चाय पत्ती पे थोड़ा कुछ विचार विमर्श हुआ और उसके बाद ऐसी कोई दिक्कतें सामने आई, तो अभी उनका फ़ोन आ चुका है बट वो बताते कि आपको चाय पत्ती में क्या दिक्कतें आई हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई है चाय पत्ती में जो हमारा खेत का है। हाँ तो ये है मेरे मामा जी और ये इनको दिखाई तो देता है बट सुनाई नहीं देता और ये बोल नहीं पाते। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है चाय पत्ती के बीच। जो चाय पत्ती के खेत हैं वो ये हैं यहाँ से सामने तक, और जो रोड जाएगी वो इन खेतों के बीच से होती हुई इधर जाएगी, और जो जेसीबी है वो वहाँ से आ रहा है और वहाँ से वो नीचे आएगा और जहाँ पे ये लोग खड़े हो रखे तो वहाँ से नीचे आएगा और उसके बाद रोड सीधी सीधी आगे निकल जाएगी और स्टेशन बनेगा सामने पे। तो अभी जेसीबी ने ऊपर रोड से काट के यहाँ तक आ चुका है, अब ज़्यादा दिक्कतें नहीं है क्योंकि अब खेत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाय पत्ती, क्योंकि चाय पत्ती वाले बोल रहे हैं कि मतलब जो हमारे पेड़ हैं अगर आप उनको उखाड़ते हो तो आपको उनका पे करना पड़ेगा, बट हमने उनको खेत दिए हैं लीज पे बट वो हमें लीज का कुछ पे नहीं करते हैं चाय पत्ती के खेत में, और वो चाय पत्ती तोड़ के भी ले गए हैं एक दो बार, तो उन्होंने हमें कुछ पे नहीं किया है। तो हमारा कोई फायदा नहीं है इन्हें रख के, अगर वो हमें कुछ पे करते तो हम सोचते कि एक्चुअली इन खेतों में हमारा बहुत सारा अनाज होता है बट वो ये अनाज का कुछ भी पे नहीं करते हैं। और
जो चाय पत्ती है वो तोड़ के ले जाते हैं और उनका पैसा उनका खुद का होता है, तो हमारे लिए हमें क्या फायदा इनको लगा के अगर वो हमारा इनका कुछ पे नहीं करते हैं। और अगर हम इन पे जो अनाज लगाते हैं तो अनाज से हमें काफी ज्यादा फायदा होता और उससे मतलब जो 6 महीने का आराम से गुजारा निकल जाता। बट ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। और पहाड़ों में पता नहीं उन्होंने हमको खाली ऐसी झूठ बोला और ऐसे ही उन्होंने हमें बताया, तो इन्होंने ये बहुत ज्यादा गलत किया। तो अभी देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। और प्लान तो हमारा स्पष्ट है कि हम सीधे उखाड़ के इनको फेंक देंगे और यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये खेत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। और आपको जो ये खेत दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से रोड जाएगी सीधी सीधी, और यहाँ से रोड सीधी सीधी जाने के बाद सामने इधर बनेगा स्टेशन जहाँ पे ये पेड़ पड़ा हुआ है, और ये हमारा प्लान है। और यहाँ से पूरा ये चाय पत्ती लगाई गई है पूरी नीचे, और देखो आप देख सकते हैं कि मतलब चाय पत्ती सूख चुकी है और इनकी कोई देख रेख नहीं है, और मतलब हम ही लोगों को नौकरी पे नहीं रखा गया, और उसके अलावा इसकी कोई लीज नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमारे खेतों का मिस यूज हो रहा है। तो हमारा बोलना तो सीधा सा है कि जिनको आप नौकरी दे रहे हो उनके खेतों में लगाए, हमारे खेतों में मत लगाइए। और हमें जब कोई लीज ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, तो हम क्यों रखें। वैसे चाय पत्ती के पौधे काफी अच्छे हो रखे थे, काफी खिल चुके थे, तो अभी काफी सारी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं पे समाधान होगा कल, क्योंकि कल चाय पत्ती वाले आएंगे गांव में और उनसे बात होगी। तो तब तक अब मैं आपको कल ही बताऊंगा कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें लीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ताऊ जी किसी को चाय पत्ती दिखा रहे हैं, तो वो गांव के हैं, और गांव मतलब गांव के हैं, तो उनको चाय पत्ती के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए गाइस लेता हूँ। जो मुसीबत है वो यही है, और इसके बारे में विचार होगा कल, और विचार विमर्श होने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है, और इस पे बात करेंगे कल। और चलिए गाइस तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक ही बोलूंगा क्योंकि जो ये वीडियो है ये अभी तक इस वीडियो का एंड नहीं है, क्योंकि इसका एंड काफी बड़ा है। अभी चाय पत्ती समस्या है, फिर मैं आपको कल उसके बारे में बताऊंगा, तो ये वीडियो अभी एंड नहीं होगी। बट अभी के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा, और मिलता रहूंगा एक नए ब्लॉग के साथ, एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ, और ऐसी ही पहाड़ों की जो लाइफ स्टाइल है, जो पहाड़ों की समस्या है, वो आपके सामने लेता रहूंगा, और मिलता रहूंगा बेहतरीन से ब्लॉग के साथ।